नीलम जी आपने आपने नीलम जी कुछ लोग इकट्ठे कर रखे हैं आप लोगों ने, जो नारे लगाने लग जाते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं, ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है, ये तो इमरान खान ने फ्रॉड वो इकट्ठा कर रखा है। आपको समझना पड़ेगा कि जितने आप इस किस्म के कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की छवि, पॉलिटिकल छवि, इकोनॉमिक छवि, इंटरनेशनल छवि सारी तो तबाह हो चुकी, टेररिस्ट का घर हो, और फिर सड़कों पे एक डेमोक्रेसी आपके सुप्रीम कोर्ट की मानिए, उसने बहुत अच्छी दीक्षा दिखाई है, बुद्धि दीजिए इमरान खान को, बुद्धि दीजिए, भारत के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, भारत का आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हमारे किसी भी प्रांत से पूरे पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, ना आपकी जीडीपी कंपेयर कर सकते, ना आपकी जो आज ग्रोथ रेट है इतना पुअर है, आपकी इकोनॉमिक हालत देखिए, आप जो है भारत का राग छोड़ के और हकीकत पेश कीजिए, आप अरे अपने लोगों के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको दुनिया भर का कर्ज देना है, आपके पास इतना देश का 5 गुना हर नागरिक वो कमाता नहीं है जो उसको फॉरेन डेप्ट देना है, इंटरनल डेप्ट छोड़िए, फॉरेन डेप्ट समझते हो, आपका हाल श्रीलंका से भी बुरा है, लेकिन आप लोग समझने को तैयार है, बस एक भारत राग है, हमने किसी ने मुद्दा उठाया, हम आपकी इंटरनल सिचुएशन की बात करें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपकी पार्लियामेंट की बात करें, आपकी जुडिशरी ने जो डायरेक्शन दी उसकी बात करें, और वो बात करें जो इमरान खान तोहिन कर रहे हैं जिस चीज की, आप रोंद रहे हो, मैं थोड़ी रोंद रहा हूँ, हम पार्लियामेंट छोड़े, हम आपकी पार्लियामेंट में बैठे, देखिए हम आपकी, देखिए मोहतरमा, हम आपकी पार्लियामेंट में नहीं बैठे, आप लोग बैठे हो, आपके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, हमने नहीं दी, आपके आपका देश चाहता, आपके लोग चाहते ना कि इमरान खान हार चुके, क्यों नहीं छोड़ते, तो सत्ता को चिपटे हुए साहब, ये आपको सोचना है, हमारे लिए हमें क्यों बीच में ले आते हो, अरे साहब हम तो आपकी आपकी डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम कोई आपकी बुराई कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि जब आप हार चुके हो गद्दी को क्यों चिपके हुए हो, पार्लियामेंट में जाइए, वोट लीजिए, और आप हार चुके हो, काउंट कीजिए, और आप हो सकता है इमरान खान दोबारा आ जाए, अगर जनता इतनी लाइक करती है तो हो सकता है दोबारा आ जाए, अब तो गद्दी छोड़िए, जब भी ऐसे हुआ, बीपी सिंह जी ने तभी रेजिग्नेशन दे दिया, चरण सिंह ने तभी रेजिग्नेशन दे दिया, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बस इतनी सी तो बात है कि आपको स्वीकार कर लेना है कि आप हार गई हैं। साहब आप हमारा कैसे मुकाबला कर सकते हो, वाजपेयी जी ने एकदम से रिजाइन दे दिया। सर मैं आपके पास आती हूँ, इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर ने इस वक्त इनकार कर दिया है वोटिंग कराने से, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, जिसका जिक्र मैं कर भी रही थी कि हो सकता है कि अभी भी कोई पिछला दरवाजा का इस्तेमाल कर रहे हो इमरान खान, और वो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। जियो न्यूज के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में फिलहाल इमरान सरकार के लिए क्या राहत है ये, क्योंकि स्पीकर ने अभी भी वोटिंग से इनकार कर दिया, जो सुबह से दोपहर से बड़ी खबर निकलकर आने लगी थी सामने की 8 बजे, यानी इफ्तार के बाद वोटिंग होगी, लेकिन अभी फिर स्पीकर का कहना है कि हम वोटिंग नहीं कराएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम पाकिस्तान से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पीटीआई के नेता नीलम जी, आप ये बताइए, ये फिर कौन सा खेल चल रहा है पाकिस्तान में, अब वोटिंग से क्यों भाग रही है आप? अरे पहले टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी फैसला होगा, ये सीजन साहब थोड़ी है कि जी संडे को भी बुला के कोर्ट खोल के, उनको बोलो कोर्ट खोले मॉडल टाउन की उन औरतों के मुंह में जिनको गोलियां मारी, उनके लिए कोर्ट खोले ना संडे को। कोर्ट ने तमाचा दे दिया है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ चुका है, और कर्नल तेज टिक्कू साहब इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। सर अभी भी क्या पीटीआई बोलने की स्थिति में है, जिसने डेप्यूटी स्पीकर के जरिए क्या फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद आज वोटिंग हो रही थी, फिर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर का, इमरान खान फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से चोर दरवाजे का इस्तेमाल, कर्नल साहब कोई चोर दरवाजा नहीं है। कर्नल साहब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि उनकी डेमोक्रेसी के साथ, उनकी जुडिशरी के साथ, उनके पार्लियामेंट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, और क्या है। उनको ये मंजूर है या नहीं मंजूर है, हम यहाँ पर इंडिया के अंदर तो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ असलियत क्या है। मोहतरमा, आपके पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी और सबने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, अटल जी जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों पसंद करते हैं, और आज आपके पाकिस्तान की भी विपक्षी लीडर जो है वो अटल जी का जिक्र कर रही है, याद दिला दूं मैं फिर से,
भारत में ये होता है, एक वोट बहुत आसानी से। आप पूछाएं गुजरात में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, इंसाफ। गुजरात के नाम का एक माला बनवाइए, गुजरात के नाम का एक माला बनवाइए। शिवंत है कि आता है कि नहीं आता है गुजरात ले लेकर गुजरात, अरे गुजरात और गुजरातियों से इतना फोबिया क्यों है भाई, वो भी हिंदुस्तान है। गुजरात से एक व्यक्ति थे जो वहां पर मुख्यमंत्री थे, आज इस देश के 32 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार लाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और रिपीट होकर आ गए हैं। आपके यहाँ जहाँ एक आदमी टर्म नहीं पूरी कर पाता, यहाँ दो दो बार किससे बराबरी कर रहे हैं, गुजरात में क्या हुआ? मैं गुजरात के मसले को आगे बढ़ाऊंगी। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि इमरान खान इस्तीफा देने के लिए राजी हो चुके हैं। इमरान खान इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये सब कुछ होगा नहीं, ये हम सबको मालूम है। कर्नल साहब की बातें अधूरी रह गई थी, मैं एक बार फिर से आती हूँ। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं? हालांकि शर्त यह है कि परिवार के खिलाफ FIR ना हो, इमरान ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। कर्नल साहब, नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो इस्तीफा देगा। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे पहले ही वोट करा लेते और जैसे उनको पता लगता कि वो हारने वाले तब वो रिजाइन करते। मेरे ख्याल से वो रिजाइन नहीं करने वाले हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी, पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी ने मिलकर इमरान खान को एक मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये जो कर रहे हो आप, ये बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन मैं इसमें एक और तथ्य जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें पाकिस्तान की आर्मी को काफी अप्रिसिएशन देना चाहिए कि अगर आप देखें पिछले 40-50 साल में छोटे छोटे मामलों में भी, छोटी छोटी जो कंट्रोवर्सीज होती थी उसमें आर्मी एकदम से इंटरवीन करती थी और वो प्रधानमंत्री या किसी कोई भी बैठा हो उसको कुर्सी से हटाती थी। लेकिन इस बार आर्मी ने, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया है और इस मामले को पार्लियामेंट के बहुत पीछे से बहुत कुछ हो रहा हो पीछे से, क्योंकि बाजवा का जो स्टेटमेंट सामने आया था, हो सकता है। लेकिन बीते दिनों के दो प्रकरण सर मैं अपने दर्शकों के सामने जरा याद दिला दूं। अमेरिका को लेकर बाजवा ने कुछ और कहा, इमरान खान ने कुछ और कहा। रूस को लेकर अमेरिका ने, बाजवा ने कुछ और कहा, इमरान खान ने। तो इनका मसला तो हो सकता है उमर अल्ताफ, ठीक है, लेकिन ये तो जरूर है दोनों के बीच में विरोधाभास है वो। सर आपके पास आती हूँ मैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये सबको मालूम है कि जितने प्रोपेगेंडा इस वक्त इमरान खान सरकार बचाने को लेकर, कुर्सी बचाने को लेकर कर रहे हैं, इस मैटर को देखते हुए लगता नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन दो शर्तें रखी है इमरान ने, अपनी सुरक्षा की मांग की है कि हम इस्तीफा दे देंगे लेकिन मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार के किसी सदस्य FIR ना हो। इस वक्त मैं सीधे रोक करती हूं उमर अल्ताफ का। उमर अल्ताफ, और कितनी संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी आपके पाकिस्तान में, कुछ बचा है? देखे, स्पीकर कह रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे, हम वोटिंग नहीं करवाएंगे। तो देखिए, इधर कोर्ट आजाद है, कोर्ट फैसला कर लेंगे, स्पीकर को भी कोर्ट के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, मैं तो बड़ी हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो उन पे कंटेम्प्ट होएगा और उनको सजा होएगी, तो कराना तो पड़ेगा। थोड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अपने इख्तदार बचाने के लिए इमरान खान, मगर एट द एंड ऑफ द डे उनको जाना पड़ेगा अगर उनके पास नंबर्स पूरे ना होए। और